दोस्तों, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो तो भी रूह तो महका ही देती है, और कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है सर झुकाने से। और बहुत सही बात है कि किरदार की कद्र होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। और जिन जख्मों से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म किसी अपने नहीं दिए हैं। और दोस्तों, जिंदगी में जब बहुत परेशानी से गुजरो तो ये बात अपने आप से कहना कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और परिंदा दाने की तरफ हमेशा उड़ के आता है, परिंदे की तरफ उड़कर दाना नहीं आता। जिसे जरूरत होती है वो खुद ढूंढता है खजाने को, जरूरतमंद के पास खजाना नहीं आता। और दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना कि कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। और दोस्तों, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमा ना कर। बुलंदियां छू हजार, मगर उसको पाने के लिए गुनाह ना कर। और जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। और दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी वाणी के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। और बहुत शानदार बात कही है किसी ने कि गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की ज्यादा जरूरत है। और अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए। और दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों का कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। और जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद को अच्छा बना लो, क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। और किसी ने सही कहा है कि घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, और भैंस बता देती है ज्ञान कैसा है। और दोस्तों, जहां से हो वहीं से अपनी शुरुआत करो, जो कर सकते हो वो करो, और तब तक मत रुको जब तक वैसी जिंदगी ना मिल जाए जैसी आप चाहते हो। और एक बात जान लो कि समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, वो तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर ही छोटी और बड़ी होती है। और जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, आपके पास कुछ ना कुछ करने और कामयाब होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। और दोस्तों, जिसे जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब, भगवान का दिया सब कुछ हो फिर भी रोता रहे उसे कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी सदा खुश रहे वो होता है खुश नसीब। और उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी अरमान। और दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं बस अपनों पर नजर रखना। और झुकने से रिश्ता ना टूटे तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। और वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते कपड़ों की तरह बदलते हैं। और जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, पर जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। और चोर को खांसी और संत को दासी हमेशा मुसीबत में डाल देते हैं। और प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। और दोस्तों, सही कहा है किसी ने कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से मेरे बारे में कुछ सुना हो। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग।